हेलो क्लास, वेलकम यू ऑल। आज हम सेकेंड यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड के सेकेंड लर्निंग आउटकम्स दैट इज़ हाउ टू लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट के प्रैक्टिकल सेशन दैट इज़ हाउ टू सेट अप मल्टीपल शीट्स बाय इंसर्टिंग न्यू शीट्स। कैसे हम मल्टीपल शीट्स को सेटअप करते हैं? बाय इंसर्टिंग न्यू शीट्स को इंसर्ट करके। कैसे हम रेफरेंस को क्रिएट करते हैं किसी और शीट्स की हेल्प से? एंड बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। कैसे हम रेफरेंस को क्रिएट करेंगे? जो दूसरे डॉक्यूमेंट में हमारी शीट्स बनी हुई हैं उसको हमने रेफरेंस करना है बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो इसके प्रैक्टिकल को करने के लिए हम सूट की एप्लीकेशन ओपन ऑफिस स्केल का यूज़ करेंगे। आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये हमारी ओपन ऑफिस स्केल की विंडो है। सो आप मल्टीपल शीट्स को कैसे सेटअप करेंगे? बाय इंसर्टिंग न्यू शीट्स। तो जैसे ही आप अपने एक न्यू स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो इस आपको अपने सामने तीन शीट्स या बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देती हैं, शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी तीन ही शीट्स होती हैं। अगर आपको और शीट्स इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से आप शीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ टैब्स पर राइट क्लिक करके भी इंसर्ट शीट्स पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप क्लिक करके एक न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। सो करके देख लेते हैं इसके प्रैक्टिकल को एक बार। इंसर्ट मेन्यू पर गए, यहाँ से शीट ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही शीट ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने एक इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपको न्यू शीट चाहिए वो बिफोर चाहिए करंट शीट के। करंट शीट मीन्स जो आपकी सिलेक्टेड शीट है, जैसे कि हमारी यहाँ पे कौन सी है, शीट वन। या आपको शीट वन के बाद चाहिए तो आप आफ्टर करंट शीट करके देख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल शीट्स चाहिए तो आप यहाँ से मल्टीपल शीट्स ले सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए उतनी शीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपको शीट फोर नेम देगा, क्योंकि हमारी शीट वन टू थ्री पहले से ही यहाँ पर आपको स्पेसिफाई की गई है। तो अगर आप फोर्थ शीट इंसर्ट करेंगे तो उसका नेम होगा शीट फोर। अगर आप अपना कोई और नेम देना चाहते हैं तो आप इसे यहीं से भी रीनेम कर सकते हैं एंड देन आप ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आपकी शीट इंसर्ट हो जाएंगी। तो करके देख लेते हैं, जैसे मुझे आफ्टर करंट शीट चाहिए तो मैं क्लिक करूँगी एंड ओके प्रेस कर दूंगी। तो जो शीट फोर है वो आपकी शीट वन के आफ्टर में आ गई है। अब इसको करने के और मेथड देखते हैं। अभी तक हमने इंसर्ट मेन्यू में गए, वहां से हमने शीट को इंसर्ट किया। नेक्स्ट हमारा है कि हम यहाँ टैब पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक एंड यहाँ से भी इंसर्ट शीट कर सकते हैं। वही आपके सामने इंसर्ट शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, नहीं तो आपको ये जो ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है, ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट शीट यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से भी इंसर्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने तीन मेथड सीखे कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं शीट्स को। या तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से हम शीट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप राइट क्लिक करके टैब पर भी इंसर्ट शीट का मेन्यू ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को, नहीं तो आप एम्प्टी स्पेस पर क्लिक करके एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी शीट को रीनेम करना है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो सिलेक्टेड शीट है वहाँ से हम राइट क्लिक किया और रीनेम शीट पर हम क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नेम दिया इंसर्ट शीट, देन ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपका शीट का नेम चेंज हो गया, नहीं तो आप डबल क्लिक करके भी शीट पर रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया न्यू शीट, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से रीनेम हो जाता है। और अगर आपको किसी भी शीट को डिलीट करना है तो सिंपली आप यहाँ इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट शीट पर क्लिक कर देंगे। या आपसे पूछेगा आर यू वांट टू डिलीट दिस सिलेक्टेड शीट, यस, तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। तो अभी तक हमने सीखा हम कैसे एक न्यू शीट को इंसर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे हम कैसे सेटअप करते हैं मल्टीपल शीट्स को। तो जब हम एक न्यू शीट्स के लिए इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहे थे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था फ्रॉम फाइल। अगर आप कोई और शीट जो आपकी पहले से ही रेडी है उसको आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम फाइल में जा कर के ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फाइल रेडी है वो शीट डेस्कटॉप पर
गोल सिक के नेम से है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो मेरी गोल सिक वाली फाइल के अंदर तीन शीट्स थी, जिसका फर्स्ट का नेम था गोल सिक वन, गोल सिक टू, सॉल्वर। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्वर वाली शीट को अपनी इस शीट पर इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगी। बट आपके सामने यहाँ एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस लिंक को क्लिक करने का मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। इस लिंक को क्लिक करने का मीनिंग ये है कि अगर हम सोल्वर वाली जो शीट वहाँ पर है हमारे पास, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपके चेंजेस इस शीट पर भी रिफ्लेक्ट हो। इसको करने के लिए हम लिंक ऑप्शन पर इनेबल करेंगे सही, एंड देन हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो सोल्वर वाली शीट थी जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई थी, वो आपकी अब करंट जो फाइल जिस पर हम वर्क कर रहे थे उस पर आपकी शो हो गई है। आप इस शीट को कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोल्वर वाली को बाद में लाना चाहती हूँ, तो आप बाद में भी ला सकते हैं इस तरह से। तो अब हम चेक कर लेते हैं, अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ सेव करके। ये मेरी पहले से जो मैंने बना के रखी हुई थी शीट वो है। इसके अंदर से सोल्वर वाली शीट के अंदर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ। अभी मेरा 10,000 था यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 30,000 कर देती हूँ और इस फाइल को अब सेव करती हूँ, तो क्या ये चेंजेस मुझे अपनी करंट शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरी करंट शीट थी लिंकिंग के नेम से। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अपडेट ऑल लिंक्स, ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमने वहाँ लिंक ऑप्शन पर क्लिक किया था। तो जैसे हम येस पर क्लिक करेंगे, दिस फाइल कंटेन लिंक्स टू द फाइल येस, तो अब आपका यहाँ पर 30,000 शो हो गया। मीन्स जब हमने उस फाइल में चेंजेस करे तो वो आपके चेंजेस यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने लिंक ऑप्शन पर क्लिक करा था उस टाइम। ये तो था कि हम मल्टीपल फाइल्स को कैसे सेटअप करते हैं बाय इंसर्टिंग न्यू शीट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रेफरेंस को क्रिएट करेंगे जो हमारी दूसरी शीट्स पर है, कीबोर्ड या माउस की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये सॉल्वर रखा है, मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ किसी और शीट पर। तो इसको समझने के लिए हम ये जो शीट टू, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू। अब मैं सोल्वर वाले शीट के बी टू वाले डाटा को, जो कि मेरा बी टू सेल में है, इस डाटा को यहाँ पर चाहती हूँ। हमने क्या किया था, इज इक्वल टू लिखा था। इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने सिंपली डाटा को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट का बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिखाई देगा, इज इक्वल टू सोल्वर डॉट बी टू। मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ हुआ है। तो इसको अभी तक हमने माउस की हेल्प से डाटा को रेफरेंस क्रिएट करना सीखा। अगर हम कीबोर्ड की हेल्प से करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरी सॉल्वर वाली शीट है, इस पर मैं जो B3 सेल में जो डाटा है 2.5, इस डाटा को एक्सेस करना चाहती हूँ फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू, मेरी फाइल का नेम क्या है, सॉल्वर डॉट B3 सेल को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो B3 एंड एंटर प्रेस कर दूंगी। तो इस तरह से मेरा डाटा यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे रेफरेंस को क्रिएट करते हैं जो कि मेरा दूसरी शीट्स पर है, बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी और डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, उसको रेफरेंस बनाना है इस शीट पर कीबोर्ड या माउस की हेल्प से, तो हम उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और शीट को ओपन कर लेती हूँ, जैसे कि मेरी शीट है गोल सिक के अंदर, गोल सिक टू नेम से। ओके तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो ये डाटा है मेरा B5 सेल में, जो कि मेरी दूसरी फाइल में है, उस फाइल के डाटा को मैं अपनी इस फाइल पर लाना चाहती हूँ। तो सिंपली वैसे ही करेंगे हम, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और अपनी पुरानी फाइल में जाएंगे और वहाँ के डाटा को सिंपली हमने जिस भी सेल को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे। B5 में है मेरा और हम अपनी पहले जो हम करंटली फाइल्स में वर्क कर रहे हैं उस पर जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला एक अपने आप से आ गया है। ये बता रहा है कि गोल सीक वाली फाइल में, गोल सीक टू शीट पर B5 डाटा को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो डाटा यहाँ एक्सेस हो जाएगा। ये 500 को हम एक्सेस कर रहे थे तो वो अब आपका इस शीट पर आपको विजिबल हो रहा है। इस तरह से हम
दूसरे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं अपनी इस शीट पर। ओके क्लास।